हेलो, आज मेरा बेटा आप सभी को वेलकम करेगा। और ये जो पजामा आप देख रहे हैं, ये मैंने बनाया है एक शर्ट से। बेसिकली वीडियो मैंने इसी के ऊपर बनाया है। तो चलिए देखिए किस तरीके से हमें पजामा बनाना है। हम एक ही शर्ट से दो पजामे बनाएंगे। हमने शर्ट को इस तरीके से फैला दिया है। इसके दोनों बाजू को इस तरीके से इकट्ठा कर लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल क्रीज जो है वो ख़त्म कर दी है हमने। अब इसके ऊपर कोई भी पजामा हम रखेंगे मेज़रमेंट के लिए। 5 से 6 साल तक के बच्चे का पजामा आप बना सकते हैं। ये जो शर्ट मैंने ली है, ये मैंने ली है 42 साइज़ की। और ये देखिए, उसको रख कर मैंने इस तरीके से मार्किंग की है। और इसको अब मैं कट कर ले रही हूँ। और ये देखिए, स्लीव्स वाले पोर्शन में से हमने एक पजामा निकाल लिया है। मैं आपको बताऊंगी इसे हमें किस तरीके से सिलना है। ये देख सकते हैं आप, इधर से थोड़ा सा पोर्शन हम कट कर देंगे। अब ये देखिए, ऐसे आपका ये पजामा तैयार हो जाएगा। आप किसी भी तरह के कुर्ते के नीचे बच्चे को पहना सकते हैं, या एज ए नाइट सूट भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए इसको मैंने किस तरीके से सिल लिया है। जो आसन वाला पोर्शन था, दोनों तरफ से हम इसे सिल देंगे। और ये स्टिचिंग हो गई है। देखिए जो इसका फॉर्म है पजामे का, वो आ गया है। आप जो इसमें ऊपर की साइड नेफा होता है, उसको फोल्ड करेंगे और ये नीचे वाले पोर्शन में सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से जैसे मैं दिखा रही हूँ, नेफा हमने फोल्ड कर लेना है। इसी तरीके से थोड़ा सा पोर्शन हम खुला रखेंगे लास्टिक या नाड़े के लिए। ये देखिए, आप चाहें तो नाड़ा डाल लीजिए, चाहे तो लास्टिक डाल दीजिए, जो भी कंफर्टेबल रहे बच्चे के लिए। और ये लास्टिक हमने बंद कर दी है। पजामा हमारा रेडी हो गया है। इसे हम किसी भी तरह के कुर्ते के साथ पेयर कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप। और उसी बचे हुए टुकड़े में से देखिए, हमें एक और पजामा निकालना है। तो सबसे पहले हमने जो एक्स्ट्रा पार्ट था, उसको रिमूव कर दिया है। और इसका जो बटन वाला पोर्शन था, उसको निकाल लेंगे हम। दोनों साइड से निकाल लिया है हमने, बटन और काज दोनों वाला हिस्सा। अब इसको हाफ फोल्ड करेंगे इस तरीके से। और ये देखिए, एक और फोल्ड कर दिया है, डबल फोल्ड हो गया है। अब इसके ऊपर फिर से पजामा रखेंगे हम मेज़रमेंट के लिए। और करीब 2-2 इंची फालतू हमें मेज़रमेंट के लिए निशान लगा लेना है। ये देखिए, इसको कट कर लिया है। और सेम तरीके से जैसे हमने पहला वाला सिला है, बिल्कुल सेम इसे भी उसी तरीके से सिल लेंगे। ये आसन वाली सिलाई है, यहाँ पे स्टिचिंग लगाएंगे। ये स्टिचिंग हमने लगा ली है। अब मैं इसे खोल के दिखाऊंगी आपको। ये देखिए, जो इसकी पजामे की शेप है, वो आ गई है। अब इसे नीचे से इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, स्टिचिंग लगा देंगे इसके ऊपर। ये देखिए, स्टिचिंग लगा दी है। अब ये पूरा पोर्शन में हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगा ली है हमने। अब इसका भी नेफा मोड़ लिया है पुराने वाले की तरह। और ये देखिए, ये भी तैयार हो गया है। इसे भी किसी भी तरह के कुर्ते के साथ आप पेयर कर सकते हैं बच्चे के लिए, बहुत कंफर्टेबल रहता है। ये देखिए, मैंने अपने बेटे को पहनाया भी है, आपको इसीलिए दिखाया है। I love my India.